मैं आज आपको पांच ऐसे अद्भुत जगह के बारे में बताने जा रही हूं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि यह जगह ही इतनी अजीब होती है। नंबर एक, जोन ऑफ साइलेंस। ये एक ऐसी जगह है जहां बाहर की आवाज कभी नहीं पहुंच पाती, चाहे वो रेडियो हो या प्रोग्रामिंग या फिर मोबाइल सिग्नल या वाईफाई। ये जगह 50 किलोमीटर तक फैली हुई है जिसके अंदर अगर आप चले जाते हो तो आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे और ना ही आप किसी को फोन लगा सकते हो, ना ही सहायता के लिए किसी को बुला सकते हो। कुछ लोग इसका कारण एलियंस मानते हैं। नंबर टू, लेक वोस्टोक। माना जाता है कि अंटार्कटिका में जीवन मौजूद नहीं है जिसकी वजह है यहाँ पड़ने वाली तेज ठंड, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा बर्फ के नीचे दबी एक ऐसी झील खोज निकाली जिसका पानी हजारों साल पुराना है, जिसमें करीब 3500 प्रजाति के बैक्टीरिया रहते हैं जो बिना सूरज की रोशनी के पत्थरों में मौजूद खनिज पदार्थों की वजह से जिंदा रहते हैं। नंबर थ्री, फायर ईगल नेस्ट। अगर आप ऐसी जगह में जाओ, अगर आपको डरावना या अजीब महसूस हो, ये जगह राइवेरिया के जंगलों में मौजूद है जिसे यहाँ की लोकल लोग शैतानों का घर मानते हैं। ये चीज यहाँ किसने और क्यों बनाई ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। जो भी इसके नजदीक जाने की कोशिश करता है या तो उसे चक्कर आने लगते हैं या उसका सिर दर्द करने लगता है। नंबर चार, सहनाए टिम पिस्का। अमेज़न की जंगलों की गहराई में एक गर्म पानी की नदी बहती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। जो भी जिंदा चीज इसे होती है वो अंडों के जैसे उबल जाती है। लोग मानते हैं कि शायद ये नहीं किसी ज्वालामुखी के नीचे या फिर साइड से निकलती है, इसीलिए इसका पानी इतना गर्म है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसके सबके सबसे पास वोल्केनो 700 मीटर दूर है। नंबर फाइव, कैट आटम्बो। लाइटिंग वैलेज नेला में मौजूद इस नदी के पास एक ही समय पर बहुत सारी बिजली एक साथ ही गिरती है। ये घटना शाम को 7 बजे से शुरू होती है और तब तक चलती रहती है जब तक सूरज ना उग आए। एक साथ इतनी सारी बिजली के देखना काफी अजीब और शानदार लगता है। आपको कौन सी जगह ज्यादा अद्भुत लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।